हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ATG व्लॉग्स। और आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। सो 2023 चालू हो चुका है और 2023 की ये कह सकते शॉर्ट वाली टाइनी माइनी वाली राइड है। मैं जा रहा हूँ गाड़ेश्वर, जाके सनसेट देख के रिटर्न आना है। एंड इट्स 4:47 राइट नाउ। निकलना था मुझे 4 बजे, लेकिन ये जो आप डंडी देख रहे हो ना स्टिक गोप्रो के लिए, वो लगाते लगाते थोड़ा टाइम गया है और वो भी परफेक्ट नहीं लगा है। तो इसका इस्तेमाल आगे चल के करूँगा मैं, जो फ्री रोड है, जो गाड़ेश्वर का रोड जब चालू हो जाएगा। इसका जो माउंट आता है हैंडल बार पे लगाने का प्रॉपर माउंट, वो इसके लिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे कहीं जगह ही नहीं मिल रहा है मुझे वो लगाने के लिए, क्योंकि सारा ऑक्यूपाइड है। इसके लिए अभी इसको जुगाड़ू तरीके में बांध के रखा है। गाड़ेश्वर जाने के लिए 2 रूट है। एक मतलब खांदा कॉलोनी से आप जा सकते हो, सेकंड मतलब न्यू पनवेल वाला ब्रिज, वहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो एकदम सीधे जाना है। यहाँ पे अगर आप मॉनसून में आओगे तो और भी अच्छा व्यू मिलता है आपको, क्योंकि हर तरफ पूरा हरा भरा रहता है। मुझे ऑलमोस्ट 5:30 तक वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, जिस पॉइंट पर मैं जाने वाला हूँ, जो गाड़ेश्वर के भी आगे है, बेस्ट फॉर सनसेट। अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैंने रील्स वगैरह डाले हैं। उधर स्कूल कौन सा, नाम क्या है? वेदांत पब्लिक स्कूल, ये वाली? हाँ। ये है नेहरे हाई स्कूल। अच्छा, सही है सही है। वही स्पीड में आया नहीं नहीं यस बाय। कौन सा यूट्यूब चैनल? ATG व्लॉग, आगे नाम लिखा है। Bye. Thank you. Welcome. सो ये है गाड़ेश्वर मंदिर, शिवजी भगवान का मंदिर। और अगर आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो नदी भी है, और महाशिवरात्रि के टाइम ये ग्राउंड पे मेला लगा रहता है। और जहाँ से वो टर्न है वहाँ से ऑलमोस्ट लाइन रहती है लोगों की। अभी तो कोई भी नहीं है और ज़्यादा क्राउड रहती भी नहीं है। फिलहाल मैं अभी थोड़ा सनसेट व्यू एंजॉय करता हूँ आगे जाके। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा भरा रहता है पानी से बारिश में आएंगे तो। अगर आपको हमारा मॉनसून वीडियो देखना है तो वो भी मेरे चैनल पे है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। उस टाइम पर लेकिन मेरे पास SN H9 था, और मेरे ख्याल से वो मेरी फर्स्ट राइड थी आफ्टर परचेसिंग डोमिनार। यहाँ पे फार्म्स बहुत है और ये साइड भी काफ़ी डेवलप हो रहा है अभी भी। मतलब यहाँ पे विला, रिसॉर्ट, होटल्स अच्छे अच्छे आगे चल के आपको दिखाऊंगा मैं ज़रूर, वो भी काफ़ी सुंदर बना दिए है यहाँ पे। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम मुंबई पुणे तो आपको यहाँ पे रहने की जगह भी है अच्छी खासी। ये एक रिसॉर्ट है, फैमिली अड्डा, अंदर छोटे बच्चों को खेलने के लिए जगह भी है, और ये साइड में कैंपिंग के लिए भी जगह दी है, टेंट्स लगा के यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। वाओ वाओ वाओ, ये ऐसे ही रहेगा, छोड़ो। अभी मैं जिस लोकेशन पे बैठा हूँ उस लोकेशन के चारों ओर पहाड़ है, और मेरे जो पीछे है वो माथेरान की बैक साइड है, प्लस ये कुछ ट्रैक्स है जैसे पेप फोर्ट है, चंदेरी फोर्ट है, प्रबलगढ़ है, कलावंतीन दुर्ग है, और इन चारों ओर से कवर्ड माउंटेन्स रेंज में ये छोटा सा गांव है। सामने नदी, आगे सनसेट हो रहा है और यहाँ पर कुछ लोग खेल रहे हैं।
ये व्यू अपने मुंबई साइड, पुणे साइड या कह सकते हैं कि अर्बन साइड में कभी भी देखने नहीं मिलेगा, बट ये साइड में भी एक अलग फील है, अलग मज़ा है। हेलो माय फ्रेंड, मैं यहाँ पे सनसेट के लिए आया था लेकिन सन गायब हो गया, पूरा एयर पॉल्यूशन है और पूरा उससे कवर्ड हो चुका है। मैं जिस जगह पे अभी बैठा था वहाँ पे लाल चींटियाँ थी और उम्मीद करता हूँ कि मेरे हेलमेट में नहीं गई रहेंगी, अगर गई तो फिर मौजा ही मौजा। सो अगर आपको गाड़ेश्वर आना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मानसून सीज़न में आइए, लेकिन ये भी ट्राई करना कि मानसून शुरू होने के कुछ 10-15 दिनों बाद या फिर मैक्सिमम एक महीने के अंदर आप यहाँ पे आइए, क्योंकि मेरे ख्याल से जुलाई से सितंबर तक यहाँ पे एंट्री बंद रहती है ड्यू टू सेफ्टी रीजंस, क्योंकि यहाँ पे लेक है, रिवर है, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है या फिर कुछ भी एक्सीडेंट अगर यहाँ पे होता है तो उससे रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर वाजे के आगे मतलब गाड़ेश्वर साइड आपको आने नहीं देंगे। तो ट्राई करना कि जून मंथ में आइए या फिर आप सितंबर या फिर अक्टूबर के बाद भी यहाँ पे आ सकते हो, तब तक तो पूरा हरा भरा रहेगा यहाँ पे और पॉल्यूशन भी कम रहेगा, क्योंकि आज मैं जिस काम के लिए आया था सनसेट देखने आया था वही देखने नहीं मिला ड्यू टू पॉल्यूशन। अभी भी इतना उजाला है अच्छा खासा लेकिन सन नहीं दिख रहा है, बट कोई नहीं, सनसेट देखने नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा कभी भी। फिलहाल मैं अभी बाइक के कुछ शॉट्स लेने हैं और निकलता हूँ। एक साइड में सनसेट हुआ, एक साइड से मून राइज हो रहा है। अभी मैं आपसे कुछ मेरे YouTube चैनल की बात शेयर करता हूँ कि जो मेरे पहले के वीडियोस थे और मैं अभी जो वीडियोस बना रहा हूँ तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरे हिसाब से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट इम्प्रूव हो चुका है एंड अभी बस अभी मैं जो वीडियोस बनाऊँगा वही अच्छे है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सीख रहा हूँ अभी भी वीडियोस बनाना कैसे है, एडिटिंग कैसे करनी है, उसके बाद स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, ये सब मैं अभी सीख रहा हूँ और सीखते सीखते अच्छे वीडियोस आप तक मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। क्योंकि अमरावती राइड जब मैंने की थी तभी उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइड एंड स्टोरी टेलिंग, सिनेमेटिक्स, एडिटिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ बहुत कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैं वीडियोज़ में कभी बताता नहीं हूँ। और ये साल में मुझे पिछले साल से अच्छे वीडियोस बना के आपको दिखाने हैं, ये मेरा टारगेट है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो उस पॉइंट हो या फिर उस जगह की इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ लेता हूँ, जब कैमरा में फेस करता हूँ तब आधी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम हो रहा है हमेशा की तरह। लेकिन ये साल में मैं ट्राई करूँगा कि ये प्रॉब्लम ना हो और जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं आपको प्रॉपरली बताना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें वीडियो में रहे। इस साल में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं तो उस हिसाब से अगर मैं चलता गया, उस हिसाब से अगर मैं वीडियोस बनाता गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर जैसा चल रहा है वैसे मुझे नहीं रखना है। तो देखते हैं कितना वो सक्सेसफुल रहता है एंड होपफुली और पूरी मेहनत करके सब कुछ अच्छा करके वीडियोस आपको अच्छे देखने मिलेंगे, यही मैं आशा करता हूँ खुद से। मेन मतलब कैसा है कि मैं YouTube पे इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ और उस चीज़ की वजह से, वही एक मेन चीज़ है कि अगर मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ या फिर कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो 2-3 दिन में व्लॉग अगर बनाता हूँ तो अच्छे से मुझसे बन जाता है, लेकिन जब बीच में कुछ गैप पड़ जाती है तो प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जो मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम पर बूस्ट हुआ है या फिर शाइनेस कम हुआ है ना, वो फिर से नॉर्मल पहले जैसे हो जाता है। अभी भी यहाँ पर बैठ के मैं जितना मैं कैमरा में फोकस करके बात कर रहा हूँ तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट फॉर मी। एंड यस, मेन मतलब अपने 700 सब्सक्राइबर की यूट्यूब फैमिली बन चुकी है एंड भले आपके लिए बहुत बड़ी फिगर नहीं रहेगी 700, लेकिन मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर गेन करना बहुत बड़ी बात है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, आपका भी साल बहुत अच्छा जाए और यस मेरा भी अच्छा जाए होपफुली यूट्यूब के लिए। सो टाइम टू एंड दिस वीडियो, बहुत शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल राइड थी मेरे लिए और कह सकते हैं कि 2023 की राइड की शुरुआत गाड़ेश्वर से ही की है मैंने। तो आप भी एक बार विजिट करके देखिए गाड़ेश्वर और कैसा लगता है आपको जगह, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग.